दोस्तों, बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के डे 9 की, जहाँ लक्ष्य सेन का सेमीफाइनल मैच था विक्टर एक्सेलसन के साथ, जो कि लगभग 15 मिनट पहले सेट में 17-11 से आगे होने के बाद लक्ष्य सेन आखिरी पॉइंट्स कुछ गलतियों से और कुछ प्रेशर में गवाते हुए वो सेट 22-20 से हार गए। शुरुआत हुई दूसरे सेट की। दूसरे सेट में भी शुरुआत बड़े उम्दा करते हुए 7-0 से लीड में थे, तो पता नहीं बड़े इवेंट का प्रेशर या 22 साल की छोटी उम्र में खुद पे ज़्यादा प्रेशर लेते हुए, दबाव लेते हुए अपना बेहतरीन प्रदर्शन अगले पार्ट में, अगले हिस्से में नहीं कर पाए और दूसरा सेट भी 21-14 से हार। कल इनका ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला होगा, जो कि 6 बजे भारतीय समय अनुसार होगा। हॉकी टीम, मेंस टीम सेमीफाइनल पहुंच गई है, मगर सेमीफाइनल में मेडल पक्का नहीं होता। सेमीफाइनल या तो जीतेगी तो गोल्ड या सिल्वर के लिए फाइनल में खेलेगी, और अगर हारेगी तो ब्रॉन्ज के लिए। जो जीतेगा वो मैच ब्रॉन्ज मेडल मैच, वो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा, जो हारेगा वो फोर्थ रैंक में रहेगा। कल एक शूटिंग का मिक्स टीम इवेंट है स्किट का, वो लगभग 12:30 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार आएगा। दो दो एथलेटिक्स के इवेंट्स हैं डे 10 के, लगभग इतने इवेंट्स हैं। एथलेटिक्स के इवेंट लगभग 3 बजे के आसपास होंगे दोनों, और बॉक्सिंग में भी डे 9 में भारत दोनों क्वार्टर फाइनल मैच अपने हार गया। दो मेडल जो उम्मीद थी और लग रहा था कि 10 मेडल हो जाएंगे इसको मिला के किसी तरह, वो भी उम्मीद खत्म ही हो गई। हालांकि दोनों डिसीजन रेफरी ने गलत दिया मेरे हिसाब से, 4-1 या 5-0 से दोनों भारतीय बॉक्सर जीत रहे थे, मगर ये बॉक्सिंग का रिवाज ही है। फेडरेशन ही ऐसा बना है कि जो टॉप कंट्रीज हैं बॉक्सिंग में उन्हीं के मेंबर्स हैं, वही अपने हिसाब से चलाते हैं। कोई नई कंट्री के अगर प्लेयर अच्छे निकल के आते हैं, जैसे इंडिया के हर साल एक दो प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको गलत डिसीजन की वजह से या तो क्वार्टर फाइनल में हरा दिया जाता है या राउंड ऑफ 16 में, ऐसा ही कुछ आज भी हुआ। दोनों ही निशानदेह कृपा जी तरह से, कोई भी देखता जिसको नॉलेज भी नहीं होता पंचेस का, वो भी बोलता कि निशांत देव 5-0 से क्वार्टर फाइनल जीत रहे थे, मगर उनको भी 4-1 से हरा दिया गया। और ऐसा ही लवलीना बोलोगे इनके साथ किया गया, उन्होंने भी अच्छी फाइट की। 5-0 तो नहीं कहता, मगर 4-1 से वो भी जीत रहे थे आसानी से, उन्हें भी हरा दिया गया। 3 राउंड होते हैं, आखिरी राउंड में 10-10 पॉइंट पूरी टीम को देके भारतीय बॉक्सर को ऐसे ही हर बार हराया जाता है, देखने वाला कोई है नहीं, हो गया ऐसे ही चलता है बॉक्सिंग का इवेंट, इसलिए मेडल नहीं आ पाता उसमें। बाकी खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं बॉक्सिंग के बाद भारत में। इसी के साथ इवेंट इतने ही हैं, और जो 3 हार हुई 1 जीत हुई वो आपको बता दिया। धन्यवाद। वीडियो